मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है बोल्ड स्काई। जन्माष्टमी आ रही है और ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर बहुत से घरों में श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, लेकिन जब ये स्थापना होती है तो हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं जिनका परिणाम बेहद खराब होता है। जन्माष्टमी पर अगर आप घर में विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो उनकी स्थापना से जुड़े नियमों को पहले जान लें। अगर घर में पहले से ही श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की मूर्ति है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से इनकी पूजा अर्चना में कुछ चीजों की सावधानी जरूरी है। भगवान विष्णु और बाल गोपाल को बिना स्नान और भोग लगाए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान और भोग लगाए भोजन करने से बरकत नहीं रहती है और परिवार में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। नियमित एक तुलसी का पत्ता भगवान के सिर पर और प्रसाद पर डालकर अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी रहती है, भगवान ये पूजा स्वीकार नहीं करते। सिले हुए या झूठे वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुराने फूल भगवान की मूर्ति पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हालांकि पुराने फूल किसी भी भगवान की मूर्ति पर चढ़ाने की मनाही है। दूसरी बात, याद रखें कि बासी फूल भगवान के पास नहीं रहने दें। फूल माला भी हर दिन बदलनी चाहिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में घी के दीप का बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजन के समय मुख शुद्ध रहे, इसके लिए पूजन से पहले आचमन कर लें और पूजन के समय मुंह में कुछ भी ना रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां बेहद बड़े प्रभाव डालती हैं। अगर कोई भी चूक रहती है तो भगवान प्रसन्न ना होकर आप पर क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए इन बातों का सदैव ध्यान रखें। बोल्ड स्काई में फिलहाल इतना ही।